गुड मॉर्निंग क्लास सेवन नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर वन टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट कब होंगी आपको मैंने बताया था कि जो कांग्रेंट होता है कांग्रेंट का क्या मतलब होता है जब टू फिगर्स एग्जैक्ट कॉपीज हों उनके वर्टेक्स बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीड करें उनकी जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो भी कॉपिड हों उनके वर्टेक्स उनके एंगल सब कुछ क्या होने चाहिए कॉपिड होने चाहिए तो टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव द सेम लेंथ अगर उनकी लेंथ कैसी होगी सेम लेंथ की अगर वो होंगे तो वो टू लाइन सेगमेंट्स कैसी होंगी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी अमंग टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स वन हैवे मेजर ऑफ सेवेंटी डिग्री द मेज़र ऑफ द अदर एंगल इज़ वट इज सेवेंटी डिग्री क्योंकि आपको गिवन है टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स हैं जब टू एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उसका एग्जैक्ट कॉपी दूसरा एंगल भी क्या होगा अगर एक एंगल सेवेंटी डिग्री है तो उसका एग्जैक्ट कॉपी दूसरा क्या होगा वो भी सेवेंटी डिग्री होगा नेक्स्ट वेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंगल ए को जब हम एंगल बी के इक्वल इस तरीके इस टाइप से हम राइट करते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी यानी अगर ए सेवेंटी है तो बी भी कितना होगा सेवेंटी होगा तो यानी मेजरमेंट इनके क्या होंगे इक्वल होंगे इसका मतलब हम कैसे उसको राइट कर सकते हैं मेजरमेंट मीन्स स्मॉल एम स्मॉल एम एंगल ए इक्वल टू स्मॉल एम एंगल बी दैट मीन्स द रीड इट आउट एज मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी तो इस तरीके से वी एक्चुअली मीन दैट इफ वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी वी मीन दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल बी नौ द नेक्स्ट क्वेश्चन गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रेंट शेप्स कॉन्ग्रेंट शेप्स के रियल लाइफ के आपने एग्जाम्पल्स देने हैं तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपने एक ब्लेड्स लिए हुए थे बिस्किट्स लिए हुए थे न्यूज़पेपर्स थे तो इस तरीके से जब आपने देखा अगर हम सीज़र लें तो सीज़र को जब हम ओपन करते हैं और फिर जब हम उसको क्लोज़ कर देते हैं तो उसके जितने भी एंड सीज़र के जो एंड्स हैं टू एंड्स हैं वो एक दूसरे को कॉपीड करते हैं वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी है वो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर सोच सकते हैं और एनी टू एग्ज़ाम्पल आपको इस क्वेश्चन के अंदर राइट करने हैं आप एग्ज़ाम्पल जैसे ब्लेड्स का एग्ज़ाम्पल है बिस्किट्स हैं टॉयज़ हैं या फिर सीज़र्स हैं तो इस न्यूज़पेपर्स हैं आपकी बुक्स हैं एक दूसरे के ऊपर उसको कवर करो बुक्स के पेजेस हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कॉन्ग्रेंट शेप्स का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एफ ई डी अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड्स एफ ई डी यहाँ पर आपको गिवन है ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल एफ ई डी है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं ये बीच में जो साइन आपका प्लेस किया गया है दैट इज द साइन ऑफ द कांग्रेंस दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कांग्रेंट ये साइन है अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड है एफ ई डी के यानी ए बी सी पूरा एफ ई डी के कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि ए जो है वो एफ को कॉरस्पॉन्ड कर रही है बी पॉइंट एफ ई को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और सी जो है वो डी को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है राइट ऑल द कॉरस्पोंडिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स एक ट्राइंगल के अंदर वर्टेक्स उसकी साइड्स उसके एंगल्स यही पार्ट्स होते हैं तो आपने सबका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स जो है आपको राइट करना है तो हम हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से राइट करना होता है देखिए वर्टेक्स सबसे पहले हमें पता है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है एफ ई डी के तो वर्टेक्स सबसे पहले हम वर्टेक्स साइड्स और एंगल्स इन तीनों पार्ट्स को हम कॉन्ग्रेंट शो कर हम कॉरस्पॉन्डेंस शो करेंगे तो वर्टेक्स अगर एक ट्राइंगल मैंने आपको बताया ट्राइंगल ए बी सी एफ ई डी के कॉरस ये कांग्रेंट है इसका मतलब ए एफ के है बी ई e के है और सी डी के है तो इसका मतलब वर्टेक्स ए वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्ड होगा एफ के तो कॉरेस्पॉन्ड का साइन कैसा होता है इस तरीके से डबल एरो ए कॉरस्पॉन्ड एफ उसके बाद बी यहाँ से अगर हम ट्राइंगल बी ए बी सी में देख रहे हैं तो ये बी है बी किसको को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ई e को तो बी कॉरस्पॉन्ड ई e. और जो सी है वो किसको को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है डी को तो सी कॉरस्पॉन्ड डी उसके बाद साइड्स अब साइड्स देख रहे हैं आप अब यहाँ पर साइड्स देखिए ये साइड ए बी है ए बी क्या है ए बी साइड और ए बी के प्लेस पर इस साइड पर क्या लिखा हुआ एफ ई e. इसका मतलब ए बी लाइन कॉरस्पॉन्ड टू एफ ई ए बी साइड कॉरस्पॉन्ड टू एफ ई तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये यह देख कर राइट कर सकते हैं ए बी एफ ई को कर रहा है उसके बाद हम लेते हैं बी सी साइड तो बी सी साइड ई डी को कॉरस्पॉन्ड करेगी तो बी सी कॉरस्पॉन्ड ई e, डी सिमिलर अब कौन सा रह गया आपके पास ए सी ए और सी तो ए और सी किस को कॉरस्पॉन्ड कर रही है एफ और डी को तो ए सी लाइन कॉरस्पॉन्ड एफ डी तो ये साइड्स के अकॉर्डिंग हो गया अगर हम एंगल्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ए एंगल ए कॉरस्पॉन्ड्स एंगल एफ बी एंगल कॉरस्पॉन्ड एंगल ई एंगल सी कॉरस्पोंड एंगल डी तो ए कॉरस्पोंड एफ बी कॉरस्पोंड ई और सी कॉरस्पॉन्ड्स डी तो इस तरीके से हमें कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स दिखाने हैं ट्राइंगल के अंदर जो कि थ्री टाइप्स के होंगे वर्टेक्स साइड्स और एंगल्स की फॉर्म में तो इस तरीके से हमें कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो शो करनी है तो हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ए एफ अगर यहाँ पर ए है फर्स्ट तो यहाँ पर एफ के कॉरिस्पॉन्ड होगा बी एफ ई के होगा और यहाँ पर अगर लास्ट सी है तो यहाँ पर, तो पर, e पर, तो पर लास्ट क्या डी है, है तो सी डी के कॉरेस्पॉन्ड होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इफ ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी सी ए डी ई एफ किसके कांग्रेंट uh, है ट्राइंगल बी सी ए के तो डी बी को कॉरेस्पॉन्ड करेगा ई पॉइंट सी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और एफ वर्टेक्स ए को कॉरस्पॉन्ड करेगा राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल बी सी ए इस बी सी ए के पार्ट्स को आपको राइट करना है दैट कॉरस्पॉन्ड टू एंगल ई अब देखिए यहाँ पर एंगल ई e है तो एंगल ई e के प्लेस पर इस ट्राइंगल के अंदर क्या है सी है तो बीच में अगर ई e, ई e है यहाँ पर बीच में क्या है सी है तो ई e किस को करेगा सी को कॉरेस्पॉन्ड करेगा देखिए ई e किसको करेगा सी को करेगा नेक्स्ट ई एफ अब यहाँ देखिए ई एफ ये ई एफ है तो ई के प्लेस पर इस ट्राइंगल के अंदर क्या है सी तो ई जो है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा सी को कॉरस्पॉन्ड करेगा थर्ड पार्ट है एंगल एफ एंगल एफ के प्लेस पर क्या है ए है तो इसका मतलब एंगल एफ किसको को कॉरस्पॉन्ड करेगा एंगल ए को उसके बाद लाइन सेगमेंट डी है तो डी एफ किस को कॉरस्पॉन्ड करे अब डी की जगह देखो डी के प्लेस पर बी है और एफ के प्लेस पर ए है तो इसका मतलब डी एफ कॉरस्पॉन्ड बी ए तो ये हो जाएगा डी एफ कॉरस्पॉन्ड बी ए तो इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन कंप्लीट कर है